Hey, what's up guys? सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं ब्लैंकेट में ही हूँ. तो आप लोग कैसे हो? मस्त यार. सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना जब हल्की हल्की ठंडी होती है और ब्लैंकेट के अंदर होते हो. यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं, लेकिन एसी का जो ठंड होता है ना सुबह सुबह, काफ़ी अच्छा होता है. तो आँख खुलते के साथ रिमोट एसी को ऑफ करता हूँ, उसके बाद धीमे धीमे ब्लैंकेट को एडजस्ट करता हूँ और ठंडी वाली फीलिंग आती है, एकदम मस्त वाली. तो बाहर ना जाने कैसा मौसम, मैं तो पैक कर रखा हूँ और आई थिंक बारिश वाली मौसम होगी. क्योंकि बारिश हो रही है भाई. बारिश वाली मौसम मस्त आ रही है. ये देखो बारिश हो रही है. मेरे को जाना है खाना खाने के लिए. एक्चुअली आज खाना बनाने को मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो बाहर खा लेता हूँ. दिखाता हूँ मैं कहाँ पे जाता हूँ खाना खाने के लिए. ये देखो मैं इसमें रहता हूँ वाले में. इनका छोटा सा टेम्पल है, मैं इसमें खाता हूँ तब भी. ये देखो ऑर्डर कर दिया हूँ, एक मसाला टी, दो तंदूर रोटी और उसमें पनीर की सब्जी होंगे. पनीर आई डोंट नो कौन सा पनीर है, मैं दिखाऊंगा. ये हो गया मसाला टी, आप ये देख सकते हो. ये चपाती, तंदूरी रोटी है और इसमें देखो स्प्रिंकल किया हुआ टी पे, बहुत काफ़ी अच्छा. तो खाना पीना हो गया है, खाना मतलब काफ़ी अच्छा बना था, मतलब काफ़ी अच्छा होता ही, उसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाता हूँ वहाँ जा कर के. और बारिश. हाय एवरीवन, तो अगेन मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हुआ, एक्चुअली शाम का टाइम है तो मैं आ गया हूँ इधर लिटिल इंडिया के साइड में ही, जो दूसरे साइड, लास्ट टाइम मैं दूसरे साइड दिखाया था, इस टाइम मैं दूसरे साइड आया हूँ. और आज मैं आपको एक हिंदू टेम्पल दिखाता हूँ. यहाँ पे आप मेरे पीछे टेम्पल देख सकते हो, ये आप देख सकते हो पीछे टेम्पल, आप देख सकते हो ये हिंदू टेम्पल है यहाँ का. जैसे साउथ इंडिया में होते ना टेम्पल वगैरह, उसी टाइप में बना रखे हैं. तो यहाँ पे लोग आते हैं. आई थिंक अभी आरती का टाइम है, इसीलिए अभी आरती हो रहा है. अंदर में बहुत सारे ये है टेंपल का नेम. सेरंगून रोड. और आप यहाँ पे अगर आप टेंपल का डिटेल आपको पढ़ना है तो मैं यहाँ पे एक है वीडियो, यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है टेंपल का. आप इस वीडियो को रोकना और पढ़ लेना क्या डिटेल है. तो मैं इस आप इस वीडियो को रोकना, स्टॉप करना और डिटेल को पढ़ लेना. सारे बॉडीज हैं, देख रहे हो मुस्तफा सेंटर लिखा हुआ है. यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है और यहाँ से समझिए कि अप्रॉक्स हाफ किलोमीटर तक आप आगे जाओगे ना, वहाँ तक शॉप है. और समझो कि 4, 5, 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर हैं समझो. और यहाँ से समझ रहे हो आधे किलोमीटर तक कितने सारे आइटम रखे होंगे, मतलब कि पूरे आइटम से भरे पड़े हैं. और मैं आपको यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सामान मिलेगा, सारे ब्रांड के मोबाइल, वॉच, गोल्ड, डायमंड, कपड़े, ग्रॉसरीज, सब कुछ अंदर मिलेंगे. तो चलो इसके अंदर एंट्री दिखाता हूँ. आप यहाँ देख सकते हो पूरे वर्ल्ड से है ना, पूरे वर्ल्ड के वॉच मिलेंगे, कम से कम 5-6 लाख रुपए घड़ी यहाँ पे दिखेंगे. ये देखो अस्सी हजार रुपये घड़ी.
देख लो यहाँ पे सारी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। जापान डोमेस्टिक सीरीज, जापान का ब्रांड है शेको। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ मिलेंगे, सभी चीज़, ड्रोन, गिम्बल, बॉच, सब कुछ मिलेंगे, सब कुछ। यहाँ पे आपको सारे आइटम मिलेंगे, मोबाइल से लेकर के सारे हेडफोन हर ब्रांड के मिलेंगे। मोबाइल देख लो, आईफोन, यहाँ पे देख लो चावल के कई तरीके के पैकेट हैं, देख लो। इस सारे चावल ही चावल है, पूरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे। ये देख लो सभी तरीके के चावल हैं, सारे रेड राइस, ब्राउन राइस, ग्रीन राइस, ये देख लो, ये मिक्स हैं, ये सारे मिक्स हैं, पूरे वर्ल्ड से आए हैं। ये $11 का है, ये देख लो, एक केजी होगा यानी 500 रुपीज़। मतलब पूरे वर्ल्ड से जितने तरीके के राइस हैं ना पूरे वर्ल्ड में, सभी तरीके के राइस यहाँ पे आ गए। देखो ये देख लो, ये कौन सा कैसा राइस है, ये भी राइस ही है भाई, मोपी राइस, सांबा राइस। ये सिर्फ राइस का सेक्शन, दाल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वैसे ही कम से कम 1000 तरीके के दाल। अब देख लो चावल, ही देख लो, ये अलग तरीके के चावल हैं, देखो ये अलग तरीके के कलर के चावल हैं, ये कम्प्लीटली ब्लैक थे। और देख लो छोले, मेरे को ये चाहिए लेने, ऑर्गेनिक काबुली चना, कितने का है, $4.5 यानी 200 के अप्रॉक्स में है। एक मैं लिया हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, और मेरे को दाल ले अंकल कुक, सारे ऑर्गेनिक हैं ये वाले। मेरा जो कितने के आटे की वैरायटी, ऑर्गेनिक आटा, एक एक केजी, दो दो केजी के हैं ये सारे आटे के वैरायटी है भाई। आशीर्वाद देख लो, ये हैं कितने के, ये होंगे, ये भी होंगे $3-4 के होंगे। चक्की आटा, हल्दीराम की भुजिया, सारे नमकीन सेक्शन, नमकीन पॉपर और सारे कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखो ये सारे ओट्स के सेक्शन, मेरे को ये मसाला ओट्स अच्छे लगते हैं तो मैं ये लेता हूँ मसाला ओट्स कोकोला का, ये भी $2-2.5 का है यानी 100 रुपीज़ का प्रॉक्स, मेरे को ये अच्छे लगते हैं। ये सारे ओट्स ही हैं। ये देखो कॉर्न फ्लोर, मकई का आटा, ये मकई का आटा है $2.5 का, $2.20 का, ये देखो। और ये है वीट रवा, और मैं पोहा लिया हूँ यहाँ से 400 ग्राम का भुर्रा, 75 रुपये का है। सब गुड़ है, गुड़ भी मिलता है, भुर्रा भी है, सरकारी ऐसे मेरे को अच्छा लगता है। अरे मेरे पास एक वो हल्का उसका टेस्ट ख़राब हो गया है, तो एक लेता हूँ ये, एक ये लेता हूँ, एक ले 500 ग्राम मूँगफली $2.70 का, $1.55 का, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। और मैं एक ये भी ले लेता हूँ, इतने सारे आइटम हो गए। ये देख लो ये है डेट्स, ड्राइड डेट्स, ठीक
ये साउथ इंडियन फूड के लिए आइटम सारे हैं। अरे एक एक आइटम मिल जाते, देखो ये नारियल सूखा नारियल, देखो ये भी $2 का, $1 $2 के बीच में ड्राइड गोट्स, दालें $2.45 का। ये देख लो, ये मैगी, इंडियन मैगी, ऐसे यहाँ पे मैगी मिलते हैं लेकिन दूसरे मैगी मिलेंगे। और इसका प्राइस देखो, $1.90, ये बड़ा वाला का मीन्स कितने का, लगभग 90 रुपये के लगभग का है एक पैक। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बंदा, बाहर से ला रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट करके ला रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खड़ना चाहिए। ये देखो सब गोल के भुस्सी सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पे, चमनप्रास, रामदेव बाबा का चमनप्रास, हाजमोला, मेरे पास है इसलिए नहीं ले रहा चलो तो मैं दूसरे साइड जा रहा हूँ, दूसरे वाले सेक्शन में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और लड्डू स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स ही ड्राई फ्रूट्स, सॉरी। ये देखो प्राइस देख लो, एक ये लेता हूँ, एक ये लेता हूँ, ये सारे बर्फी लड्डू, ये देखो बूंदी लड्डू, इधर डेट्स देख सकते हो, डेट्स $13 के हैं और अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, सारे बाहर के इंपोर्टेड हैं। एक मैं लेता हूँ ट्राई करने के लिए, ये सारे लड्डू, मिल्क पेड़ा, मेरा फेवरेट आइटम, देख गया भाई ये देखो मेरा फेवरेट आइटम, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा। ये एक ये काजू कतली, ये दो आइटम मेरा फेवरेट है तो मैं लूँगा। एक ये देखो मोतीचूर लड्डू, मोतीचूर चकना चूर, वो भी है ना वैसे ये भी है प्लेन बर्फी, पास्ता, सेवई, नूडल्स का सेक्शन है, ये भी $2 के लगभग मिल जाते हैं। ये पास्ता का पार्ट है, पास्ता या मैक्रोनी जो कहो, ये है मिक्स, ये देखो पास्ता, और यहाँ पे ऐसे ऐसे नूडल्स मिलते हैं, वाह वाह, ये देखो मुझे छोटे वाले पैक चाहिए, छोटे वाले लूँगा, मिला मिला करके अपना बना लो। यहाँ पे क्या है कि आप जितना का आइटम सोच कर क्या होगा ना, उससे आप 4 गुना का ज़्यादा का आइटम ले लोगे, यहाँ पे ऐसा है। तो आप यहाँ सोचो कि बस 2 आइटम लेने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे आओगे तो कम से कम आप 10 से 12 आइटम ले लोगे, आपको पता नहीं चलेगा ड्रिंक्स सारे ड्रिंक्स, जूस, और यहाँ पे देख सकते हो प्री कुक्ड और फ्रोजन आइटम्स हैं, ये सारे पराठे, कलेक्शन ऑफ पराठे हैं, देखो मसाला पराठा, नॉर्मल चपाती, नान, कुलचे, सब कुछ है, बस आपको ले जाना है और गर्म करना है, चिल्ली नान देख लो, सारे कुछ है, पराठा, प्लेन पराठा, ये सब $2 $3 के हैं। और ये देखो कचौड़ी, ये आपको सिर्फ गर्म करना है, ये सब कुछ स्टॉक है, पराठा देख लो मिक्स वेज पराठा, और इधर सारे सारे उधर ही वही आइटम है फ्रोजन आइटम, ये देख लो कुलचे कुलचे कुलचे, रोटी पराठा, ये सारे वही हैं पराठा के टाइप से, देखो प्लेन फैमिली पैक पराठा, ये सारे वैसे ही हैं, ये देखो रोटी के कलेक्शन,
ये देखो भर भर के रोटी, यहाँ पे लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, निकालते हैं इसको गर्म करके सेकते हैं, खाते हैं। कितने काफ़ी, कम से कम 30 पीस होंगे ये सारे पराठे हैं। ये देखो चपाती, ये बस $2.5 का, $3 का लगा होता है। ये देखो मतलब कि आपको बस गर्म करना है और खा सकते हो। इधर सारे वही सेक्शन हैं फ्रोजन आइटम। ये देखो आलू गोभी पराठा, मेथी पराठा, आलू गोभी पराठा, समोसा समोसा के शौकीन 25 पीस है पंजाबी समोसा। ये फ्रोजन आइटम है बस टाइम बचाने के लिए, यहाँ पे लोग लेते हैं, खरीदते हैं लोग, ऐसे नहीं कि नहीं लेते, लेते हैं। मैं भी ट्राई किया लेकिन कितना दिन रेफ्रिजरेटर में रखोगे भाई, फ्रीजर में रख रखना पड़ेगा, एकदम जमा रहना चाहिए, अगर तो काम गड़बड़ हो जाना। मेरा आइटम कहाँ गया, यहाँ मेरा आइटम इतना भरा हुआ हो गया। मेरे को बॉडी वॉश भी लेना है, बॉडी वॉश जेल। ये है लास्ट टाइम मैं कोई और ले गया था, मिनरल मसाज शोर जेल, हाँ ये ले जाएंगे। ये देखो केसर का कलेक्शन है, यहाँ केसर भी मिल जाता है। देखो कितने ग्राम है सैफ्रोन, $30 के हैं, और ये न जाने कितने ग्राम है इस पे। $4 है, $30 यानी डेढ़ हज़ार रुपये का, ये है सैफ्रोन पाउडर है ताजमहल, और जो इतने बड़े बड़े पैक में सैफ्रोन है, सारे सैफ्रोन की क्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज। और ये देखो इधर जूस का सेक्शन है, और ये आ गए सारे मसाले, गरम मसाला, एवरेस्ट, ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले के सेक्शन है। Okay, this one is good. Quality is too good. This is from Pakistan. Okay. And these are real honey. Okay. This is just blended. I think you have used already. Yes. Mm-hmm. Actually, right, I have already taken, so I'm just planning for the next time. That's why I'm just going through all the stuff. So you are suggesting this one, right? This one is a pure honey. It doesn't have expiry date or anything. Okay. Then fine. Yeah. So they have this. This is a pure honey. Okay. And this one is like the purest one. You can take the small one also for a try. Fine, but yeah. They also have this the blended one. Like this is a pure honey. Okay. It will have no ingredients or. Okay. So no any mixtures, extra no, mixtures. Yeah. No. Only the extra mixtures are this one, like with almond, ginger, okay. garlic. Okay. They are the blended one also. Okay. This one is the purest one. Okay. Thank you so much. Thank you. यार वो सजेस्ट कर रही थी कि वो हनी ले लो, वो काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ कर रखी हूँ, रैंडमली वो बता रही थी वो। भाई मेरा टोकरी कहाँ गया, गायब हो जाएगा तो फिर से मेरे को दोबारा पूरा मेहनत करना पड़ेगा भाई। छोड़ दिया मेरा पूरा, अच्छा वहाँ पे यार बहुत मेहनत से नीचे से लेकर ऊपर तक आया हूँ सामान उठा उठा करके, मेरे को मसाला लेना है बस, नहीं तो पूरा का पूरा चूज़ करना पड़ेगा फिर से लाइन में जा करके रखाएँगे। तो एक दो मसाले लेता हूँ, पानी पूरी मसाला देख लो, छोले मसाला, शाही पनीर मसाला, सारे भाई शाही बिरयानी मसाला, क्यूमिन फूल जीरा, ये चाहिए था मेरे को। ये कितने सारे आइटम हो गए, कम से कम $50, $60, $70 के आइटम हो गए होंगे, $70 के तो हो गए होंगे। ये देखो ये सारे मैंगो की क्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंगो, ये देखो अलग अलग तरीके के मैंगो कच्चे। ये सारे नींबू है, उधर ही चलो तो काउंटर बहुत है। ये देखो ये सारे नींबू है, कितने छोटे नींबू है, छोटे छोटे नींबू, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नींबू हैं।
ये देखो ये भी नींबू है बहुत। उधर फ्रूट्स हैं, सभी तरीके के फ्रूट्स हैं। तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे पैक करना है, फिर उधर मेजरमेंट करवाना है, स्ट्राइप लगवाना है उस पर, प्राइस के टैग लगाने, उसके बाद आप ले जा सकते हो ये सारे फ्रूट्स। इधर है, इधर वेजिटेबल सेक्शन, ये लास्ट है आज का यहाँ का। ये देखो सारा सभी कुछ है। एक एवोकाडो $1.40 यानी 60 रुपये का एक होगा, 60-70 रुपये का एक। रेड पियर ये हैं $2 यानी 110-115 रुपये का एक है, कितने महंगे हैं। ये देखो मैंगो देख लो, इंडिया से लाया हुआ मैंगो पर केजी यानी ये 500 रुपये का, 5500 रुपये का, मतलब 550 रुपये का एक केजी हनी गोल्ड, काफ़ी महंगे महंगे हैं। ये हैं 400 रुपये किलो, ये हैं 150 रुपये किलो हनी गोल्ड पर केजी, ये सही लग रहा है हनी गोल्ड। ये चाइना का लाया होती है अमरुद पिंक बाबा, ये लेता हूँ, ये सही लग रहा है। चिकन वैसे नहीं मिलते हम, ये देखो हम लोग की तरफ जैसे चिकन मिलते हैं ना काट के देते हैं, यहाँ पर काट के रखे होते हैं और इसको बस निकालो सिखाओ, मतलब पकाओ जैसे पकाना वैसे खाओ। इधर सारे फिश चिकन पोर्क बीफ सब कुछ है, मटन मैं उधर नहीं जाऊँगा। फिर सारे देखो मशरूम के टाइप्स हैं, ये सारे मशरूम के टाइप्स हैं, ये सारे मशरूम हैं, कितने कितने तरीके के मशरूम हैं, ये देखो किस तरीके के मशरूम हैं। आया था 6 से 7 आइटम लेने के लिए और ये देख लो पूरा ट्रॉली भर गया। ये आलू प्याज टमाटर भिंडी लंगड़ा आम भी मिल गया यहाँ पे, काफ़ी महंगा 600 रुपये का समझो 1 किलो। आज लगता है ये क्रॉस कर जाएगा 100। ये देख लो कितना सारा सामान हो गया, इसको इसमें भरते जाना है। ये देखो अभी 63 हो गया है, $140 का सामान हुआ, मीन 5500 और जोड़ लो 8000 रुपये का सामान। ये देखो यार मैं तो सामान लेकर आ गया, बहुत भारी हो गया था आइटम, ढेर सारे आइटम हो गए थे, कितने सारे आइटम हो गए थे, कम से कम कितने पॉलीबैग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉलीबैग बैग्स और सारे के सारे भारी। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर।